अगर आपके पास बाइक है और आप बाइक प्रतिदिन चलाते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो इस वीडियो के अंत तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं एक ऐसे बाइक के बारे में बताने जा रहा हूँ जो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जिन लोगों के पास बाइक होगा वे लोग पेट्रोल का दाम जानते ही है कितने आसमान पर पहुँच चुका है, और वे पेट्रोल डलवा डलवा करके परेशान हो गए हैं। हर किसी के बस में पेट्रोल डलवाना आजकल नहीं रह गया। ऐसे में जहाँ पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम ने लोगों को बजट बिगाड़ रखा है, वहीं पर हमारे देश के एक महान वैज्ञानिक ने एक ऐसे बाइक की खोज की है जो मात्र हवा से चलती है। जी हाँ, हवा से चलने वाली बाइक। आपको जानकारी के लिए बता दें, इस बाइक की तस्वीर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है, और ये खास बाइक हवा के दबाव से चलती है। इस वायरल खबर में यह दावा किया जा रहा है कि इस बाइक में हवा भरकर इसे 45 किलोमीटर तक चलाया जा सकता है। तो यह खबर बिल्कुल पूरी तरह से सत्य है। इस हवा से चलने वाली बाइक को स्कूल ऑफ मैनेजमेंट साइंस के महानिदेशक प्रोफेसर भरत राज सिंह ने तैयार किया है, जो भारत के उत्तर प्रदेश के लखनऊ के रहने वाले हैं। इस बाइक में लगे सिलेंडर में हवा भरी जाती है। इसके सिलेंडर में नॉर्मल हवा भरी जाती है। इस बाइक में हवा भरवाने का खर्च सिर्फ 5 रुपये आता है, और एक बार अगर आप 5 रुपये दे करके आप इस बाइक में हवा भरवा लेते हैं तो यह बाइक 45 किलोमीटर तक चल सकता है। और आपको जानकारी के लिए बता दें, इसकी स्पीड 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटा है, जो कि पेट्रोल वाले बाइक से कहीं कम नहीं है। लोगों को ये नई तरह की बाइक खूब पसंद आ रही है। वहीं प्रोफेसर भरत राज सिंह भी इस तकनीक को लेकर काफ़ी उत्साहित हैं। दूसरी तरफ लोगों का कहना है कि इस तरह की बाइक पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों के लिए वरदान साबित हो सकती है। और प्रोफेसर भरत राज सिंह ने बताया, 2008 में मैंने इसे पेटेंट होने के लिए भेज दिया था। इसे पेटेंट हुए 10 साल हो गए हैं। अब इस बाइक को मेक इन इंडिया के तहत आगे बढ़ाया जाएगा। लखनऊ के इस वैज्ञानिक ने करीब 9 साल पहले इस एयर बाइक इंजन का आविष्कार किया था, जो अब एयरो बाइक का रूप ले चुकी है। इस आविष्कार के पीछे बढ़ रही ग्लोबल वार्मिंग की समस्या थी, साथ ही आम आदमी की जेब पर भी कम खर्च आएगा। इस बाइक को तैयार करने वाले वैज्ञानिक का मानना है कि इस बाइक से ईंधन की बचत तो होगी ही, साथ ही ग्लोबल वार्मिंग की समस्या से भी बचा जा सकता है। प्रदूषण पर लगेगी लगाम। जी हाँ, इस बाइक के बनने से प्रदूषण 50% तक कम हो सकता है। और सबसे बड़ी खास बात यह है कि 5 रुपये में मात्र 40 किलोमीटर तक की दूरी तय किया जा सकता है। इंजन पर खर्च भी बहुत कम आएगा। एल्युमिनियम का सिलेंडर बनाकर इसे एरो बाइक में लगाया गया है, और इस प्रयोग में सबसे पहले 2-व्हीलर को इस्तेमाल किया गया है, और यह प्रयोग पूरी तरह से कामयाब रहा है। और सबसे बड़ी खास बात यह है कि ऐसे बाइक को 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आसानी से चलाया जा सकता है। इस बाइक को अब भारत सरकार से मंजूरी मिल गई है। अब ये बाजार में कब तक आएगा इसका अभी खुलासा नहीं किया गया है। संभवतः यह 2021 तक आ जाना चाहिए, और इसकी कीमत का भी अभी खुलासा नहीं हुआ है। हम आशा करते हैं इसकी कीमत बहुत कम ही होगी, ताकि हर लोगों तक पहुंच हो सके इसकी, और प्रदूषण को कम किया जा सके। तो यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएँ। धन्यवाद।